हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आई बटन लगा सकते हैं। तो आई बटन कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको फुल जानकारी देता हूं उसके बारे में। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आई बटन क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये देखिए, ये दिखाओ, ये वीडियो है, वीडियो में आप देख रहे हो, ये बटन आई बटन होता है जिसमें आपकी बटन मैं आपको लगा के दिखाऊँगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सा क्रोम ओपन करना है अपना। क्रोम ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपल से क्या करना है, रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को ओपन करने लायक टिक करने लायक। करने के बाद आपको ये यूट्यूब का साइन आ रहा है, youtube.com, ये सर्च वालों ने आपके क्रोम पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका चैनल ओपन हो जाएगा जो भी आपके मोबाइल में होगा। होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा जो भी आपने वीडियो अपलोड कर रखी हो, चाहे मैंने आप वीडियो अपलोड करने के बाद भी लगा सकते हैं, यह वीडियो अपलोड करते समय भी लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल वीडियो अपलोड करते समय लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं। सिंपल से आपको क्या करना है कि जैसे मेरी ये वीडियो है, ये वीडियो जैसे सर्चेबल हैशटैग, इस पर क्या करना है, ये मेरी वीडियो है तो इस पर मैं आपको आई बटन लगा के दिखाऊँगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो पर जाकर आपको क्या करना है, मैं आपको पूरी जानकारी इस बारे में दूँगा, तो स्क्रिप्ट में बने रहे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये नेट थोड़ा स्लो चला, सॉरी, इसलिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो वाले आइकन पे। आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सर जो भी मेरी वीडियो जो भी आप क्लिक करने जाते हैं, उसके बाद आपको आई बट एडिट के लिए आएगा ऑप्शन, एडिट के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका सिंपल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कार्ड दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको आप सिंपल सा यहाँ जाओगे, कार्ड क्लिक करने के बाद, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई हैशटैग नहीं लग रहा है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड टैग का ऑप्शन आएगा, ऐड टैग के ऑप्शन के बाद क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ देखो मेरी दूसरी वीडियो देख रही है, दूसरी वीडियो मेरे को यहाँ लगानी है टैग, वो जो आई बटन लगाना है मेरे को। तो सिंपल से क्या करना है, प्रेस करना है, इस पर प्रेस करने के बाद क्रिएट कार्ड आ रहा है लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देना है। क्रिएट कार्ड के बाद आपको क्या करना है, देखो मेरी सिंपल सा ये लग चुका है। जिस भी मोड पे, जिस भी मिनट पे लगाना है मेरे को, जैसे मेरे को 1:09 लगाना है, तो ये मेरा 1:09 पर लग जाएगा। देखो जैसे ये आई बटन दिख रहा है आपको, ये लग जाएगा मेरा, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल से क्या करना है आपको, ये लगने के बाद आपको अपने जो चैनल है उस पर वापसी जाना है। दिखाता मैं अभी आपको, तो आप सिंपल सा यहाँ जाओगे, अभी यह एडिट आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा ये कहाँ लगा है। तो सिंपल से क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है अपने। यूट्यूब चैनल के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मेरी वीडियो है, ये वीडियो में मेरा कहाँ लगा है ये दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड थर्ड ऑप्शन में आपको नेम, ये देख रहा हूँ आपने क्या करना है, एक मिनट, ये 1:09, ये देखिए ये मैंने 56 पर लगा दिया है। अब दिखाता हूँ, देखो मेरे को कहाँ लगा है, मैं वीडियो चालू कर देता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ आपको कहाँ लगाया है। 1:09 पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, मैंने 1:09, ये देखो आ गया ना आपका, यहाँ आ गया। ऐसे आप भी लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी देखो वीडियो सब नीचे आ जाएगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी व्यक्ति देख सकता है, और इससे जो आपका चैनल जो है ग्रो करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और व्यू भी अच्छे खासा आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ताकि इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, और इसे वीडियो को पूरा देखना, वीडियो देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।